हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर। ये आपका यूनिट टू है। इससे पहले आपने टू टर्मिनल डिवाइस पढ़े, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, सिंपली डायोड। ये जो है आपका एक थ्री टर्मिनल डिवाइस है, थ्री टर्मिनल एंड थ्री लेयर डिवाइस। ओके, ट्रांजिस्टर का शाब्दिक अर्थ है, ये दो वर्डों से मिलकर बना है, ट्रांसफर एंड रेजिस्टेंस। किसका ट्रांसफर? सिग्नल का ट्रांसफर। सिग्नल मतलब करंट, वोल्टेज, धारा। करंट का ट्रांसफर लो रेजिस्टिव सर्किट से हाई रेजिस्टिव सर्किट तक। ओके, बेसिकली जो ट्रांजिस्टर होता है वो दो प्रकार का होता है, बीजेटी एंड एफईटी। बीजेटी का फुल फॉर्म है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। एफईटी का फुल फॉर्म है फील्ड, एफ फॉर फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इस तरह से दो प्रकार होते हैं। हमारा जो मुख्य फोकस है यूनिट टू में बीजेटी पे है, जो कि थ्री टर्मिनल डिवाइस है। बीजेटी के भी दो प्रकार हैं, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल। ये जो तीनों लेयर हैं किन मटेरियल से मिलके बने हैं, तो एक प्रकार है पीएनपी और दूसरा प्रकार है एनपीएन। ओके, अब हम बीजेटी के कंस्ट्रक्शन को समझेंगे कि ये जो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इसके जो लेयर हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ बीजेटी। पहला जो लेयर है उसको हम बोलते हैं मीटर, दूसरा लेयर बेस, एंड जो तीसरा लेयर है, चित्र बनाते समय ध्यान रखिएगा, मैंने थोड़ा बना आया, करेक्टर ई बी एंड सी। इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। अब तीन लेयर डिवाइस में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है डोपिंग का। आपको पता है ये भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, किसकी डोपिंग कैसी होती है। तो इसमें जो पहला टर्म है इमीटर, इमीटर मतलब इमिट करने वाला, जिसे चार्ज कैरियर्स को इमिट करना है, इसकी डोपिंग सबसे ज्यादा होती है। तो डोपिंग ऑफ एमिटर इज ग्रेटर देन डोपिंग ऑफ कलेक्टर इज ग्रेटर देन डोपिंग ऑफ बेस। यानी कि जो बेस होता है वो हमारा क्या है, सबसे लाइटली डोप्ड है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो साइज का। आप देख रहे हैं कलेक्टर को क्या करना है, चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है, और जब इकट्ठा होगी भीड़ होगी तो हीट डिसिपेशन के लिए प्रॉपर एरिया चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए जो एरिया है, एरिया ऑफ सी, सी फॉर कलेक्टर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ एमिटर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ बेस, और बेस सबसे पतला होता है, सबसे थिन लेयर होता है, ठीक है। ऐसा क्यों बनाया गया है ये हम इसके ऑपरेशन समझेंगे। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब इसमें कोई दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है मोड ऑफ ऑपरेशन।
कि इन तीन टर्मिनल डिवाइस पे हम बैटरी को कैसे लगाएंगे, डीसी बैटरी कैसे लगाएंगे। तो आप इसको समझने के लिए पहले हम चलते हैं पीएन जंक्शन पे। याद कीजिए जो पीएन जंक्शन था वो दो टर्मिनल था, ये हमारी बैटरी है। बैटरी को कैसे लगा सकते हैं, या तो पी को हमने पॉजिटिव से जोड़ा और एन को नेगेटिव से। इसको हम बोलते थे फॉरवर्ड बायस, अगर बायस। दूसरा तरीका क्या है इसका उल्टा, पी को हमने नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी से जोड़ दिया और एन को पॉजिटिव से। तो इस तरीके से डायोड में दो तरीके थे, ट्रांजिस्टर में कितने तरीके होंगे, ये तीन टर्मिनल डिवाइस है समझते हैं। तो पहला तरीका होगा, कुल कितने तरीके होंगे इस पर हम बात करेंगे। इसको समझने के लिए जैसा मैंने बताया बीजेटी दो प्रकार का, पीएनपी और एनपीएन, हम उदाहरण पीएनपी लेते हैं। तो यहां देखें दो पीएन जंक्शन है, पीएन और पीएन। ये जो जंक्शन है इमीटर बेस का इसको बोलते हैं ईबी जंक्शन, और ये जो जंक्शन है कलेक्टर और बेस का उसको बोलते हैं सीबी जंक्शन। फोकस करें पहले पीएन जंक्शन को। पहला तरीका क्या है, इसको हम फॉरवर्ड बायस कर दें, पी को पॉजिटिव से एन को निगेटिव से, और ये जो जंक्शन है इसको रिवर्स बायस कर दें। तो रिवर्स बायस करने के लिए आप बताइए एन को किसे जोड़ेंगे, पॉजिटिव से, और पी को निगेटिव से, यानी कि ये जंक्शन हो गया फॉरवर्ड, ये जंक्शन हो गया रिवर्स। इस मोड को बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट मोड, एक्टिव मोड, ट्रांजिस्टर का एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन। और इसका एक एप्लीकेशन है, इसमें ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। एम्पलीफायर आपने सुन रखा होगा, एम्पलीफायर, बूफर, आवाज बढ़ाने के लिए प्रवर्धक। ओके, ये पहला तरीका है। अब आप सोचिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसको रिवर्स करें, इसको फॉरवर्ड करें। तीसरा तरीका दोनों को फॉरवर्ड कर दें, चौथा तरीका दोनों को रिवर्स कर दें। इसे भी जल्दी से हम देख लेते हैं। सेकेंड जो तरीका है, फिर से हमने लिया पी एन और पी, इसको रिवर्स कर दें। रिवर्स करने के लिए पोलैरिटी को ध्यान रखेंगे हमेशा, एन को नेगेटिव, ये हो गया रिवर्स बायस। इसको रिवर्स करने के लिए एन को पॉजिटिव, सॉरी पहले हमने क्या किया था, फिर से देखिए फॉरवर्ड रिवर्स। सेकेंड केस क्या लेके चले, रिवर्स फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड करने के लिए सही किया हमने एन को पॉजिटिव और पी को नेगेटिव से। तीसरा केस क्या बन जाएगा, फिर से हम पीएनपी बनाएंगे ट्रांजिस्टर को। दोनों को फॉरवर्ड, दोनों को फॉरवर्ड, फॉरवर्ड करने के लिए एक मिनट ध्यान दीजिएगा। पी को हमने को अगर फॉरवर्ड करना है तो पी को हम करेंगे पॉजिटिव से, इसलिए मैं कह रहा हूं अलग अलग फिगर बनाकर समझाता हूं। फिर पी को देखिए हमें क्या करना है, दोनों को फॉरवर्ड, तो पी को पॉजिटिव से एन को निगेटिव से। इसको भी फॉरवर्ड करना है तो फिर से पी को पॉजिटिव से एन को निगेटिव से। चौथा तरीका ये हो गया फॉरवर्ड फॉरवर्ड, पीएनपी पे सारे एग्जाम्पल समझते हैं हम। अब रिवर्स करना है, रिवर्स करने के लिए पी को नेगेटिव से, रिवर्स करने के लिए पी को नेगेटिव से। इन सारे मोड के नाम जानते हैं, जब दोनों जंक्शन, ये जो दोनों जंक्शन है इसको हमने रिवर्स किया, इसको बोलते हैं कट ऑफ मोड। जब दोनों फॉरवर्ड थे इसको बोलते हैं हम सेचुरेशन मोड। बैटरी की पोलैरिटी चेक कर लेंगे, पी को पॉजिटिव से, पी को पॉजिटिव से। ओके, इन दोनों मोड में ट्रांजिस्टर का एक बहुत ही स्पेशल एप्लीकेशन है जिसको हम बोलते हैं स्विच। एक्टिव मोड में एम्पलीफायर और इसमें स्विच। और ये जो हमारा है जिसमें पहला जंक्शन रिवर्स और दूसरा जंक्शन फॉरवर्ड, इसका नाम है रिवर्स एक्टिव या इन्वर्टेड मोड। ये प्रैक्टिकली लेस इंपॉर्टेंट होता है, ओके, प्रैक्टिकली लेस इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हैं चारों मोड आपके सामने हैं एक क्रम से। फॉरवर्ड रिवर्स, रिवर्स फॉरवर्ड, फॉरवर्ड फॉरवर्ड,
रिवर्स रिवर्स। तो इस तरीके से हमारा जो बाइपोलर जंक्शन है, ट्रांजिस्टर है, वो चार मोड में काम करता है। ओके, पहले मोड का एम्पलीफायर, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ का स्विच, और सेकेंड प्रैक्टिकली लेस इंपॉर्टेंट। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको कवर करने से पहले आपको रिविजन की आवश्यकता होगी। ओके, तो हमने मोड और कंस्ट्रक्शन खत्म कर लिया है, ठीक है, ऑपरेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।